हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन द सेशन ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स समझी थी, मतलब कुछ जर्नल एंट्रीज समझी थी। ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि क्या होती हैं इंट्रा स्टेट सेल्स और क्या होती हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स या सेल्स, और किस तरह से इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर कुछ जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। हमने फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड आपको मैंने फॉर परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, इन दोनों के आधार पर कुछ जर्नल एंट्रीज आपको समझाई थी। और क्या समझाया था कि जब भी जहां पर पेमेंट की बात हो रही होगी, चाहे हम क्रेडिट पर ही क्यों ना परचेज कर रहे हो, फिर भी हम फ्यूचर में तो पे करेंगे ना, तो उस वक्त इनपुट वाला जीएसटी दोनों के केस में, सेंट्रल वाला भी और स्टेट वाला भी, दोनों एग्जिस्टेंस में आएंगे, अलग अलग से डेबिट होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे समझा था कि जब भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगा, जिसमें हमें बदले में या तो अभी साथ के साथ ही कैश या बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है या हमारा डेटर बन रहा है, तो उस केस में हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, तो आउटपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आएंगे, अलग अलग से क्रेडिट होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में बताया गया था, जिसमें इन दोनों का रिवर्सल था। इनपुट वाले ही क्रेडिट हो रहे थे परचेज रिटर्न के केस में और आउटपुट वाले ही डेबिट हो रहे थे सेल रिटर्न के केस में। आज हम फर्दर मोर इंट्रा स्टेट किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं जीएसटी के केस में, ये समझेंगे। ये देखिए, ये आपको परचेज रिटर्न के केस में बताई गई थी जर्नल एंट्री और ये आपको सेल रिटर्न के केस में बताई गई थी। अब आज के लिए जो मेरा न्यू टॉपिक है या जो नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है वो है फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब अगर हमने कुछ स्थाई संपत्तियां क्रय करनी है, उन स्थाई संपत्तियों के साथ भी हमें क्वेश्चन में जीएसटीज दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो आपने ये चीज चेक करनी है कि वो फिक्स्ड एसेट आपने उसी स्टेट में रहकर खरीदी है जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, मतलब इंट्रा स्टेट है या नहीं है, वो चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इंट्रा स्टेट परचेज होगी तो ही ये जर्नल एंट्री बनेगी, मतलब तो ही सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आएंगे। अदरवाइज आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होने वाली ट्रांजेक्शन हो, विद इन वन स्टेट वाली ट्रांजेक्शन ना हो, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, आईजीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, तब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी हमने उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं की है लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे समझा है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, देखो जब परचेज कर रहे थे हम गुड्स की, तब मैंने आपको क्या बताया कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त इनपुट वाला एग्जिस्टेंस में आता है। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स जब हम परचेज कर रहे हैं तब भी तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, या हमारे लिए वेंडर या क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी पेमेंट वाला कंसेप्ट ही एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो यहां पर भी जीएसटी पेड की फॉर्म में आएगा। और जब जीएसटी पेड वाला हो तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि इनपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कहूंगी कि एक बार भूल जाओ कि जीएसटी एग्जिस्टेंस में है, तो जीएसटी अगर भूल जाओगे तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने की जर्नल एंट्री आपने आम नॉर्मल क्या सीखी है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या टू वेंडर या क्रेडिटर का नाम आ जाता है जिससे आपने खरीदी है। ठीक है, अब क्योंकि जीएसटी एग्जिस्टेंस में है तो आपने इनपुट वाले जीएसटीज को अलग अलग से रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट कर देना है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, फॉर एक्सपेंसेस, व्यय के लिए कई बार कुछ छोटे मोटे खर्चे किए जाते हैं। वैसे तो हम इनकी एक्सेप्शंस भी करेंगे कि वो कौन से हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर अभी हम फिलहाल के लिए समझें
तो फॉर एक्सपेंसेस, हम फिर से वही कहूंगी कि एक्सपेंसेस की फॉर्म में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए व्हेनेवर पेमेंट इज गिवन उस वक्त इनपुट वाला जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है और इनपुट वाले जीएसटी को हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी अलग से और एसजीएसटी अलग से, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी तक मैंने आपको ये आज की दो नई जर्नल एंट्रीज बताई, फिक्स्ड एसेट्स वाली और एक्सपेंसेस वाली, ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखेंगे कि आगे हमें और कौन सी जर्नल एंट्रीज बता रखी है। अब देखिए इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जर्नल एंट्री होगी, मतलब फॉर इनकम क्या होगा, अगर हमें कोई आगम प्राप्त हो रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। देखो इस बार इनकम है, आपने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या सीखी हुई है कि इनकम जब रिसीव हो रही है तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लो या कैश अकाउंट डेबिट कर लो टू इनकम अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहूंगी कि देखो इनकम नहीं लिखना है, जो इनकम का नाम आपको ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है वो लिखना है। लाइक अगर कमीशन रिसीव्ड है तो यहां कमीशन लिखा हुआ आएगा, अगर इस आपको रेंट रिसीव दिया हुआ है तो वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंसेस वाला केस जो अभी अभी आपको बताया है उसमें भी एक्सपेंस का नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो एक्सपेंस का नाम लिखना है। तो यहां पर अब मैं बताना चाहूंगी कि फिर से देखो, क्योंकि इस बार हमें कुछ रिसीव हो रहा है, जब पेमेंट्स वाला कंसेप्ट होता है तो इनपुट वाला जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, जब हमारे पास रिसिप्ट वाला कंसेप्ट है तो कौन से वाला जीएसटी एग्जिस्टेंस में आ रहा है, आउटपुट वाला। तो जैसे सेल के केस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट वाले, क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो जिसने लास्ट वीडियो बहुत ही ध्यान से समझी है, मैंने आपको कुछ 5-7 पॉइंट्स बताए थे रिवर्सल वाले, जिसमें आपको ये समझाया था कि क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रही है तो इनपुट वाला ही रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, सेम वही कंसेप्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, अब यहां पर आपको एक जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी बताया जा रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, जब भी हमें निजी प्रयोग या निजी उपयोग लिखा हुआ दे देते हैं तो हम उस वक्त ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। टू परचेजेस अकाउंट, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में समझाया गया था कि हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा खरीदा हुआ माल ही कम हो रहा है, तो इसलिए आप यहां पर परचेजेस को ही क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। जब तक हमारी सेल वैल्यू के हिसाब से हम सेल नहीं करते, मतलब कॉस्ट में कुछ ऐड कर प्रॉफिट मार्जिन पर सेल नहीं करते हैं, तब तक हम सेल्स को एग्जिस्टेंस में नहीं लेकर आते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, घर का ही है ना, वो प्रोपराइटर बिजनेसमैन ही है ना, वो खुद अपने घर पे प्रयोग करने के लिए लेकर जा रहा है, तो वो कॉस्ट पर लेकर जाएगा, वो सेल वैल्यू पर नहीं लेकर आएगा। अगर आपकी कोई दुकान हो, आप अपनी दुकान से अगर कुछ माल घर पर लेकर आते हो, सपोज करो ग्रोसरी की शॉप है आपकी, अगर आप अपने घर पर अपनी ही शॉप से कुछ सामान लेकर आते हो तो आप सेल वैल्यू पर तो नहीं लेकर आओगे, आप अगर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे ना कि इतने का माल मैं घर पर ले गया। तो इसलिए यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट होगा, टू सेल्स नहीं होगा। और फिर से क्योंकि यहां पर अब परचेजेज जो पहले एक्चुअली डेबिट होती हैं वो क्रेडिट हो रही हैं, तो इनपुट वाले जीएसटीज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर दी गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एक्सेट्रा, मतलब दान या चोरी आदि के लिए अगर हम माल का प्रयोग करते हैं। तो देखो फिर से मैं कहूंगी कि ये मैंने आपको रिवर्सल वाली थ्योरी में भी बताया था, फिर से मैं कहूंगी कि जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हमने इनकी जर्नल एंट्रीज सीखी हैं और हमें पता है कि परचेजेस क्रेडिट होता है, तो बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री की तरह ही है।
अगर परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं तो इनपुट वाले ही रिवर्स कर दो, इनपुट वाले जीएसटीज ही क्रेडिट हो जाएंगे। और नरेशन जिस तरह से ये लिखा गया है वो केस यहाँ आ जाएगा। अगर फ्री सैंपल वाला है तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा, अगर लॉस बाय फायर है या थेफ्ट है तो वो रिस्पेक्टिव केस यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जितनी जर्नल एंट्रीज अभी तक बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अभी एक बार हम देखेंगे, मैंने आपको जब एक्सपेंसेस वाला पॉइंट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम एक बार सबसे पहले वो एक्सेप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जितनी जर्नल एंट्रीज हमने की हैं उतने जर्नल एंट्रीज के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, दीज आर दोज एक्सेप्शंस जिनकी मैं आपसे अभी अभी बात कर रही थी कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है जो कि एग्जेम्प्ट है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, देखो वेजेस और सैलरीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस होता है लेकिन इस पर किसी तरह का भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपको ये कुछ नाम है जो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि इन पर किसी तरह का कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, दे आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गुड्स सॉरी टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट, ये कुछ नाम है। इनके अलावा कुछ और भी हैं जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। देखो ये कुछ और केसेस हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगता है। मैं पहले ये लास्ट वाले तीन आपको बता देना चाहती हूं। देखो जो अभी अभी हमने नाम पढ़े हैं ये वही तीन आपको यहां पर एंड में बता रखे हैं, तो ये तीन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए कि इन पर जीएसटी नहीं लगता है। अब ध्यान से देखो ये स्टार्टिंग वाले 7 पॉइंट्स, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल, इसमें भाई ना तो कोई गुड्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई भी सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आ रही हैं। तो अगर अमाउंट, मैं फिर से कहूंगी सिर्फ अमाउंट, कई बार प्रोपराइटर कैपिटल के की फॉर्म में गुड्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो यहां पर नहीं। अगर कोई भी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में प्रोपराइटर के द्वारा, तो उसे उस पर हमने किसी तरह का भी कोई जीएसटी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर वो गुड्स भी लेकर आता है, वो उसके पास अगर पड़े हैं, तो देखो अगर ऑलरेडी उसके पास पहले से ही पड़े थे तो जीएसटी उन पर लेविड है, दोबारा से नहीं लगाना है, ठीक है। अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, हमने जो जर्नल एंट्री सीखी थी जीएसटी से रिलेटेड वो गुड्स विदड्रॉन वाली थी, जिसमें हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस किया और फिर इनपुट वाले क्रेडिट किए थे, रिवर्स किए थे, लेकिन यहां पर आपको कैश की फॉर्म में या बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने वाला कंसेप्ट बता रखा है। तो फिर से मैं कहूंगी कि गुड्स या सर्विसेज कोई भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे आने वाले पॉइंट्स हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक जीएसटी नहीं लगेगा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक जीएसटी नहीं लगेगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हम अपने किसी क्रेडिटर को जिससे हमने उधार पर कोई माल खरीदा हो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी अगर रिसीव कर रहे हैं तो उस पर भी किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अमाउंट रिसीव्ड हो रहा हो अगर हमें हमारे डेटर से, मतलब जिनको हमने उधार पर माल कोई बेचा हो पहले और हम उन्हें डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं तो अभी यहां पर कोई जीएसटी उन पर नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या बैड डेट्स रिकवर्ड का अगर केस हो तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अर्लियर आपको बताए हैं और जो अब ये बताए हैं ये केसेस आपको याद रहेंगे कि जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो डीके गोयल की बुक मेरे पास है उसके अकॉर्डिंगली 10.15 पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज या पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स। अब देखो आपको पहले ही बता दिया है कि सभी ट्रांजेक्शन्स पर लागू होगा, हैव टेकन प्लेस
विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ये कौन सी है, विद इन द स्टेट आपको क्या बताया गया है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स। एज्यूम करो आपको सेंट्रल वाला जीएसटी 9% और स्टेट वाला जीएसटी 9% दिया हुआ है। देखो दोनों ना एक ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि टोटल को दोनों में इक्वली बांट दिया जाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा है। अगर 12% है तो 6-6 हो जाएगा, अगर 18 है तो वो 9-9% हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी। देखो जर्नल एंट्री आपको मैंने बता दी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अमाउंट में किस तरह से क्या आएगा वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। तो आज का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है ताकि आपको प्रैक्टिकली समझाया जा सके कि कौन से अकाउंट में कौन सी अमाउंट या कितनी अमाउंट लिखनी है। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगी कि ये जो लास्ट एंट्री है यहां पर क्वेश्चन में 31 मार्च वाली, इसे मैं आज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसको रिलेटेड हमें स्पेशली इसे समझना पड़ेगा, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज मैं सिर्फ 4 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर करवाऊंगी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, 4 मार्च को हमने परचेज किए हैं गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, ये ब्रदर्स लिखा हुआ होता है, मतलब मेहता ब्रदर्स से हमने 5 लाख के माल क्रय किया है। अब देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री के लिए लाइनअप करेंगे। हमने हेडिंग दे दी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। फर्स्ट जर्नल एंट्री डेट कॉलम में हम लिखेंगे 4 मार्च, और देखो परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। और आपको क्या समझाया गया था कि परचेजेज अकाउंट जब डेबिट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने या तो अभी किसी को पेमेंट करनी है, हमें नाम दिया हुआ था ट्रांजेक्शन में तो इसका मतलब ये उधार वाली ट्रांजेक्शन है, तो मतलब हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, पेमेंट तो करनी है ना। तो जब भी हमने पेमेंट वाला कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में लेकर आना होता है तो इनपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आते हैं, ये आपको समझाया गया है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट ही एसजीएसटी दोनों डेबिट हो जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिए कि अमाउंट कहां आएगी, कितनी आएगी। आपको जो 5 लाख का माल क्रय दिया हुआ था वो 5 लाख परचेजेस के सामने आएगा। जो 9.9% के जीएसटीज आपको दे रखे थे, 5 लाख का 9% कितना आता है, 45,000, और फिर से यहां 9% 45,000। तो आप जीएसटीज के सामने, सेंट्रल और स्टेट वाले के सामने, यानी कि डेबिट साइड पर 45,000 लिखोगे। तीनों का टोटल होकर मेहता ब्रदर्स के खाते में सामने क्रेडिट होगा 5,90,000। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। अब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सेल किसको कर रहे हैं हम, मुंजाल एंड कंपनी को कर रहे हैं। कैश नहीं लिखा हुआ तो कौन से बेसिस की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन है। तो देखते हैं कि सेल में कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है। सेल के केस में आउटपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट वीडियो से क्या पढ़ना शुरू किया था कि जब भी हम सेल करेंगे तो इसका मतलब हम हमारे कस्टमर्स से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो आउटपुट वाला है। या आपको मैंने पिछली वीडियो में भी क्या समझाया था कि सेल्स के केस में हमारी तरफ से गुड्स आउट जा रही होती हैं तो आउटपुट वाले जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मुंजाल एंड कंपनी रिसीवर ऑफ गुड्स है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारी गुड्स सेल्स की फॉर्म में बाहर जा रही हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दोनों के दोनों जीएसटीज, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास आउटपुट वाले एग्जिस्टेंस में आएंगे, आउटपुट वालों को हमने क्रेडिट करना होता है, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जैसे फर्स्ट एंट्री में हमने परचेज के सामने लिखा था जो बेसिक अमाउंट हमें दिया हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स के सामने हम 8 लाख लिखेंगे, और 9.9% की कैलकुलेशंस हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पर रिस्पेक्टिवली करेंगे,
और तीनों का टोटल इस बार डेबिट साइड पर मुंजाल एंड कंपनी के सामने डेबिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट है 15 मार्च, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹40,000 बाय चेक। हमने ये एंट्री आज भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझी है, तो देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो अब हम एडवर्टीजमेंट यानी कि एक्सपेंस है ये हमारा, एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस के केस में हमने क्या समझा है, एक्सपेंस को डेबिट कर दो, इनपुट जीएसटीज को डेबिट कर दो, और जितनी पेमेंट हमने करनी है उसके लिए बैंक या कैश को क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमें चेक के थ्रू पेमेंट बता रखी है तो हम बैंक का इस्तेमाल करेंगे। और एंट्री क्या आएगी, बेसिक अमाउंट एक्सपेंस के सामने आएगी, जीएसटीज में 99% के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे, और बैंक में तीनों का टोटल यानी कि 47200 क्रेडिट होगा, और नरेशन लिख दी जाएगी पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि हमने परचेज किया है फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 का, और जो पेमेंट है वो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, फिर से बैंक एग्जिस्टेंस में आ रहा है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। अब देखो अब ये ट्रांजैक्शन एसेट को परचेज करने वाली ट्रांजैक्शन है, और अभी अभी आज हमने सीखा है कि एसेट्स के केस में एसेट्स को डेबिट कर दो, और इनपुट के जीएसटीज को हमने डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि फिर से जब भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इसलिए पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट वाला एग्जिस्टेंस में आता है, और इसीलिए वो क्रेडिट होता है। तो यहां पर हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, जो बेसिक अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उससे 99% की कैलकुलेशंस हम इनपुट जीएसटीज में डेबिट कर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में रिस्पेक्टिवली, और बैंक में तीनों का टोटल क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गई। एक जर्नल एंट्री आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास पेंडिंग है, तो जल्दी से देखते हैं कि वो क्या है। अब है 25 मार्च की जर्नल एंट्री, जो है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है फिर से, जैसे एडवर्टीजमेंट था तो बिल्कुल उसी तरीके से जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से वही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने यानी कि डेबिट कॉलम में बेसिक अमाउंट आएगी, और 99% की कैलकुलेशंस हम जीएसटीज में लिख देंगे, और बैंक में तीनों का टोटल क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको अमाउंट समझ में आया होगा कि कौन से खाते के सामने कितनी राशि लिखनी है, कितनी अमाउंट लिखनी है। जो इस क्वेश्चन में पेंडिंग है, जो सेटलमेंट है सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट्स की, वो जर्नल एंट्रीज और वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, प्लस इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोज को, लाइक कीजिए वीडियोज को, कीप वॉचिंग, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।